वीडियो पर महिला ट्री टू ट्री लोगों को देखने के रूप में मार डालो, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। एक महिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक गांव अदालत ने व्यभिचार के दोषी को बेरहमी से पीटा गया, जबकि एक भीड़ ने देखा। हाथ से एक पैर तक बांधकर वह अपने शरीर पर हर झटका जोर के रूप में दर्द में घायल हो जाती है। मानवता का सबसे बुरा पक्ष परेशान वीडियो में नंगे रखा गया है। देखना मुश्किल है और फिर भी 100 से ज्यादा लोग, अधिकतर पुरुष, देखते हैं कुछ मुस्कुराहट। कोई भी फिसल जाता है या कोई कदम नहीं है शो में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला पंचायत द्वारा व्यभिचार का दोषी पति द्वारा मार डाला, जिन्होंने पंचायत की शिकायत की जब तक वह बेहोश हो गई। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 20 अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि एक गांव पंचायत ने इस महीने की शुरुआत में महिला को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे एक चक्कर रखने का संदेह था। उसका अपराध और सजा पंचायत द्वारा तय किया गया था अंगिनत कंगारू अदालतों में से एक में, जो कि भारत के ग्रामीण इलाकों में आते हैं। यह दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर था, देश की राजधानी। इस गांव के एक गांव द्वारा गोली मार दी गई वीडियो इस सप्ताह व्यापक रूप से प्रसारित हुआ था। यह दृश्य के चारों ओर लोगों के घेरे के रूप में एक पूर्ण घर है और उस महिला को एक मिनट से अधिक समय तक पीटा जाता है। यह कठोर और क्रूर है, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। उसे चीखने वालों की ओर मुड़ते हैं, वह सकल में चारों ओर घूमती है। पेड़ के ट्रंक से रस्सी के साथ जो उसके हाथों से बंधा है, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। सजा देने वाली व्यक्ति उसे साइकिल की टायर के डिफ्लेटेड ट्यूब की तरह लग रहा है, उसे पति है। परीक्षा के अंत तक महिला बेहोश है। बुधवार को शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम कल इस घटना के बारे में पता चला, हमने महिला को फोन किया, उससे बात की और एक मामला दर्ज किया। हम पति, पंचायत प्रधान, गांव के हेडमैन और उनके बेटे को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमने 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दायर किया है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रवीण रंजन सिंह ने कहा।